2007 के मॉडल की एक और गाड़ी आ चुकी है भाई। और दोस्तों अभी हमारे सामने 2010 के मॉडल की एक गाड़ी आ चुकी है और अभी आपको गाड़ी में दिखा देता हूँ भाई। 2007 के मॉडल की एक और गाड़ी आ चुकी है भाई और अभी आपको गाड़ी की मैं कंडीशन दिखा दूंगा मैंने गाड़ी कैसे रखी हुई। अच्छा बात करें गाड़ी के फ्रंट लुक की तो आप गाड़ी की फ्रंट की कंडीशन देख लें, लाइट ग्रिल आगे से कंडीशन देख लें और बढ़ते हैं गाड़ी के साइड लुक की तरफ और अभी आपको गाड़ी की मैं साइड की भी कंडीशन दिखा देता हूँ मैंने गाड़ी कैसे रखी हुई। अच्छा बात करें गाड़ी के टायरों की तो आप गाड़ी के टायर देख सकते हैं भाई, टायर से भी हमें गाड़ी बिल्कुल 70-80% गाड़ी के टायर हमें ओके देखने को मिल जाते हैं। और अभी आपको गाड़ी की मैं बैक की कंडीशन दिखा देता हूँ, बैक से मैंने गाड़ी कैसे रखी हुई तो आप गाड़ी की बैक की कंडीशन देख लें। और ड्राइवर साइड की बात करें तो आप गाड़ी का ड्राइवर साइड भी देख सकते हैं भाई, ड्राइवर साइड से भी हमें गाड़ी ओके दिखने को मिल जाती है। अंदर से गाड़ी दिखा देता हूँ, अंदर से बाहर गाड़ी कैसे रखी हुई है भाई। अच्छा बात करें गाड़ी के डोरों की तो आप गाड़ी के डोर देख लें, कुछ इस तरह से हमें गाड़ी के डोर दिखने को मिल जाते हैं। और बात करें गाड़ी के इंटीरियर और डैशबोर्ड की तो आप गाड़ी का ये इंटीरियर और डैशबोर्ड देख सकते हैं, इंटीरियर डैशबोर्ड से भी गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में देखने को मिल जाती है। और बात करें गाड़ी की सीटों की तो आप गाड़ी की सीट्स देख सकते हैं भाई, कुछ इस तरह से हमें गाड़ी की सीट्स देखने को मिल जाती हैं। और अभी आपको गाड़ी की मैं पीछे से कंडीशन दिखा देता हूँ, पीछे के डोर दिखा दूँ। अच्छा पीछे वाले डोरों की बात करें तो आप गाड़ी के पीछे के डोर देख लें, कुछ इस तरह से हमें गाड़ी के पीछे के डोर देखने को मिल जाते हैं। सीट्स आप लोग देख लें भाई, कुछ इस तरह से हमें गाड़ी की सीट्स भी देखने को मिल जाती हैं, ये पीछे के कंडीशन देखना आप लोग गाड़ी की। तो बढ़ते हैं गाड़ी के इंजन रूम की तरफ और अभी आपको गाड़ी का इंजन रूम में दिखा देता हूँ। तो बढ़ चुके हैं गाड़ी के इंजन रूम की तरफ और अभी आपको गाड़ी का इंजन रूम में दिखा देता हूँ। तो बढ़ते हैं अभी गाड़ी के इंजन रूम की तरफ और फिर उनके बाद दिन भाई की गाड़ी होगी बैस कौन कर लेते हैं। बढ़ चुके हैं गाड़ी के इंजन रूम की तरफ और अभी आपको गाड़ी का इंजन रूम में दिखा देता हूँ। अच्छा बात करें कुप्पों की तो कुप्पे वगैरह देख लें आप लोग गाड़ी के और मेन की पट्टी वगैरह देख सकते हैं आप लोग, ये मेन की पट्टी है। और बैटरी देख सकते हैं आप लोग गाड़ी की, तो अभी जिन भाई की गाड़ी है भाई से कांटेक्ट कर लेते हैं, भाई से पूछते हैं कि गाड़ी कौन सी है और वो डिमांड क्या कर रहे हैं। तो जिन की गाड़ी है भाई हमारे साथ है, भाई से कांटेक्ट कर लेते हैं, भाई से पूछते हैं कि गाड़ी कौन सी है वो डिमांड क्या कर रहे हैं। भाई गाड़ी के बारे में तफसीलात वगैरह बता दो यार, कौन सा मॉडल है? ये है 2007 मॉडल है। ठीक है, ठीक है, डॉक्यूमेंट से क्लियर है, सब कुछ से क्लियर है। एसी वर्किंग आपने बता दिया, पेट्रोल से नहीं, दोनों पे सिर्फ पेट्रोल था? हाँ जी पेट्रोल। एक लीटर में कितना देगी अंदाजा? आजकल 1000 रुपये का पेट्रोल हम डालते हैं औरंगी टाउन से। सही है, आप जो भाई देख रहे हैं लाहौर से तो औरंगी टाउन कौन को नहीं पता होगा। तो 13-14 दे आती है पेट्रोल, वैसे महंगा हो चुका है। हाँ क्या चल रहा है? 3-3 चल रहा है, सुनने का आ रहा है 1 तारीख के बाद 30 रुपये और बढ़ेगा। हाँ कैसे कैसे रहेंगे भाई? क्या करना, पाकिस्तान से निकलने का सोच? हाँ ये तो सोच दे रहा है कि कब निकले, कब नहीं निकलने का रास्ता मिल जाएगा तो निकल जाएंगे। धमकी मार के नहीं जाना, लाओ मतलब वहाँ से जाना जहाज से। खैर गाड़ी के बारे में तफसीलात तो बता दी आपने, डिमांड क्या रखी आपने? डिमांड इसकी 580 डिमांड कर रहा है, कुछ कर लेंगे। जब 580 डिमांड कर लें कमी पीछे हो जाएगी। अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा। 0347 का नाम मोहम्मद इशाक, मोहम्मद इशाक। इशाक भाई लोकेशन में आगे गाड़ी का मतलब की ठीक हो गए, थैंक यू सो मच। इशाक भाई की गाड़ी है, गाड़ी मैंने आप लोगों को दिखा दी है, अगर आपको गाड़ी पसंद है तो आप भाई से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, शुक्रिया। तो दोस्तों अभी हमारे सामने 2010 के मॉडल की एक गाड़ी आ चुकी है और अभी आपको गाड़ी में दिखा देता हूँ भाई ने गाड़ी कैसे रखी हुई है और डिमांड वगैरह क्या है। जो तफसीलात वगैरह होगी वो वीडियो के अंदर होगी तो आप वीडियो पूरी देख लीजिएगा। अच्छा बात करें गाड़ी के फ्रंट लुक की तो आप गाड़ी की फ्रंट की कंडीशन देख लें भाई, लाइट ग्रिल आगे की कंडीशन हमें कुछ इस तरह से देखने को मिल जाती है। और अभी आपको गाड़ी की मैं साइड की भी कंडीशन दिखा देता हूँ। अच्छा बात करें गाड़ी के टायरों की तो आप गाड़ी के टायर भी देख लें, टायर भी हमें गाड़ी के 80% ओके दिखने को मिल जाते हैं। बढ़ते हैं गाड़ी के पीछे वाले टायरों की तरफ और अभी आपको गाड़ी की मैं पीछे से कंडीशन दिखा देता हूँ, पीछे से भाई ने गाड़ी कैसे रखी हुई है। अच्छा पीछे से भी हमें गाड़ी की कंडीशन काफ़ी साफ दिखने को मिल जाती है। और अभी आपको गाड़ी की मैं साइड लुक की भी कंडीशन दिखा देता हूँ, मतलब कि ड्राइवर साइड वगैरह देख लें आप लोग। और बढ़ते हैं गाड़ी के डोरों की तरफ और अभी आपको गाड़ी का मैं डोर दिखा देता हूँ भाई, डोर से भाई ने गाड़ी कैसे रखी हुई है। अच्छा बात करें गाड़ी के डोरों की तो आप जैसे कि गाड़ी के डोर भी देख लें भाई, कुछ इस तरह से हमें गाड़ी के डोर की कंडीशन देखने को मिल जाती है। मैं आपको करीब से सही से दिखा दूँ गाड़ी के डोर। और बात करें गाड़ी के इंटीरियर डैशबोर्ड की तो आप गाड़ी का ये इंटीरियर और डैशबोर्ड देख लें, कुछ इस तरह से हमें गाड़ी का ये इंटीरियर और डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है। सीट्स में आप लोगों को दिखा देता हूँ सही से,
अगर सही से नजर आ रही हूँ तो मैं अभी आपको गाड़ी के बैक के डोर दिखा देता हूँ। बैक से भाई ने गाड़ी कैसे रखी हुई। अच्छा आप बात करें पीछे वाले डोरों की, तो आप गाड़ी के पीछे के डोर की कंडीशन देख रहे हैं, तो इस तरह से हमें गाड़ी के पीछे के डोर की कंडीशन देखने को मिल जाती है। और पीछे की सीट्स में आप लोगों को दिखा देता हूँ, पीछे की सीट्स की भी कंडीशन देख सकते हैं आप लोग। तो अंदर से तो गाड़ी मैंने आप लोगों को दिखा दी है, तो बढ़ते हैं गाड़ी के इंजन रूम की तरफ और डिक्की की तरफ, फिर उनके भाई भाई से बात कर लेंगे क्या डिमांड वगैरह क्या होता है। तो बढ़ते हैं गाड़ी की डिक्की की तरफ और अभी आपकी गाड़ी की मैं डिक्की की कंडीशन दिखा दूँ। भाई आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैं गाड़ी की डिक्की की कंडीशन देखने को मिल जाती है। बढ़ते हैं गाड़ी के इंजन रूम की तरफ और अभी आपको गाड़ी का इंजन रूम में दिखा देता हूँ। तो गाड़ी के इंजन रूम की तरफ बढ़ चुके हैं और अभी आपको गाड़ी का इंजन रूम में दिखा देता हूँ। अच्छा कुप्पे वगैरह देख लें आप लोग गाड़ी के, और मैं अभी आपको सही से गाड़ी का इंजन रूम दिखा दूँ। बैटरी वगैरह देख सकते हैं आप लोग। अच्छा मेन की पट्टी की बात करें तो आप गाड़ी की मेन की पट्टी की भी कंडीशन देख लें, और जैसा कि अभी मैं आपको ये बोनट दिखा दूं। तो अभी जिन भाई की गाड़ी है भाई से कॉन्टेक्ट कर लेते हैं, भाई से पूछते हैं कि गाड़ी कौन सी है और वो डिमांड क्या कर रहे हैं। तो जिन भाई की गाड़ी है भाई हमारे साथ है, भाई से कॉन्टेक्ट कर लेते हैं, भाई से पूछते हैं कि गाड़ी कौन सी है, वो डिमांड क्या कर रहे हैं। वालेकुम सलाम भाई, इन गाड़ी के तफसीलात वगैरह बता दीजिएगा, कौन सा मॉडल है भाई? गाड़ी है जो है ना 2010 मॉडल है, ठीक है, और डिमांड इसकी जो है ना 1090। कमी पेशी हो जाएगी अगर कोई भाई? हाँ कमी पेशी हो जाएगी। डॉक्यूमेंट से टैक्स क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। एसी वगैरह वर्किंग? एसी की गैस डलने वाली है। ठीक है, पेट्रोल चेंज दोनों पे? सिर्फ पेट्रोल पर है? दोनों पे है। अच्छा आप पेट्रोल पे चला रहे हैं? पेट्रोल पे चला रहा हूँ। एक लीटर में कितना दे रही हूँ अंदाजा है यार? ये इतना अंदाजा नहीं है। नहीं इसमें इतना। चले अपना नंबर शेयर कर दिएगा ताकि जिन भाई को गाड़ी पसंद आती है वो आपसे कॉन्टेक्ट कर सके। सही है, देख लें। 0300 0300 2938 3850 आपका नाम? मेरा नाम आबिद है, ये भाई का नंबर है। नहीं होगा हमें मतलब भाई से कॉन्टेक्ट करते हैं। हाँ उनका शाहिर नाम। शाहिर? हाँ ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। तो भाई ने गाड़ी के बारे में काफी तफसीलात वगैरह बता दिए, गाड़ी मैंने आप लोगों को दिखा दी। अगर आपको गाड़ी पसंद आती है तो भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया।